गेट फिट फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। नमस्कार, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। इन दिस चैनल एज यू ऑल नो दैट आई यूज टू गिव कंटेंट, आई यू टू क्रिएट कंटेंट रिगार्डिंग द फिटनेस, रिगार्डिंग रनिंग, योगा, विच विल हेल्प यू टू हैव ए फिट बॉडी, टू हैव ए गुड हेल्थ, सो दैट यू कैन एबल टू एन्जॉय योर लाइफ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे नेचर्स के जो भी एलिमेंट हैं, आप जैसे देखते हैं धूप, चिड़िया, जो भी पशु पक्षी, जो भी कुछ है, पेड़ पौधे, सबको आप देखिए, उनमें एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएंगी, वो है कि सभी लोग बढ़ रहे हैं, सभी लोग मूव कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी रुका हुआ नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वो भी चलते रहने के लिए बना है। आवर बॉडी इज़ क्रिएटेड टू मूव फॉरवर्ड, टू ग्रो। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मूव फॉरवर्ड। वी शुड नॉट हैव टू सिट आइडली। जब हम चुपचाप बैठ जाते हैं, देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन आवर हेल्थ। जब हम चुपचाप बैठ जाते हैं, आइडियल बैठते हैं, तब हमारा हेल्थ जो है ख़राब होने लगता है और हम बहुत सारे बीमारियों का हम शिकार होने लगते हैं। जिस तरह से एक नदी जब बहती रहती है तो वो एक साफ़ और स्वच्छ जल हमें देती है, लोग उसका पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी रुक जाती है तो वो एक स्टेग्नेंट पानी हो जाता है, वो सड़ जाता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक दैट वाटर। हम उस पानी को पीना पसंद नहीं करते। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर भी अगर रुक जाता है, बैठ जाता है, तो वो बीमारियों का घर बन जाता है। हमें अपने शरीर को बीमारियों का घर नहीं बनाना है दोस्तों, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। और जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारा अंतिम सांस चल रहा है, तब तक हम ऐसे हमें अपना फिटनेस बरकरार रखना है कि हम अपना काम खुद कर सकें, हम अपना खाना खुद बना सकें, हम अपना काम, जो भी कपड़े, अपना कपड़ा खुद धो सकें, अपना जो भी शारीरिक काम है, फिजिकल जो भी वर्क है, वो हम अपना कार्य हम खुद कर सकें, तो इस तरह का स्ट्रेंथ हमारे शरीर में हो, तो इस तरह का फिटनेस हम मेंटेन हम करें, तो उस तरह का शरीर हमारा होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर योग प्राणायाम करें। और मेरे अपने एक्सपीरियंस से, मैं आज 6-7 सालों से मैं योग और प्राणायाम कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, और मैंने ये पाया है कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू कीप योर सेल्फ फिट। योग एंड प्राणायाम एक बहुत ही जो है अच्छा एक विकल्प है हम अपने शरीर को, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई खर्च नहीं है। योग एंड प्राणायाम आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं, आप अपने घर पर, नदी के किनारे, कोई पार्क में, कहीं भी बैठकर अपना योग और प्राणायाम का अपना जो क्रिया है वो आप कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से, इसमें कोई खर्च नहीं होता और समय भी बहुत कम लगता है, आप कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई जिम में एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं स्टूडियो में जाना नहीं पड़ता, आप अपने घर पे आप अपना ये योग का जो भी आसन है, प्राणायाम है, सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरह से योग किया जाए अपने घर पर, अपने घर पे आराम से, बिना कोई पैसे खर्च किए, बिल्कुल अपने घर के कम्फर्ट में आप अपना योग प्राणायाम कर सकें, इस तरह का अगर आपको जानकारी आपको चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है, वो मेरे 1-to-1 कंसल्टेशन का लिंक है, और उसमें आप अपना समय, अपना निर्धारित समय, जिस समय में आप फ्री हों, उस समय में आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और मुझसे डायरेक्टली जूम में मुझसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, 2 बार या 3 बार तक के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद आपको कुछ पे करना पड़ेगा, तो 3 बार के लिए फ्री है, तो आप उसमें कंसल्टेशन मुझसे कर सकते हैं। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप में मुझसे जुड़ना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे दिया गया है, उसमें आप जुड़ें और आप अपने हेल्थ के लिए, हेल्थ के रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी आपका प्रॉब्लम्स हो, समस्या हो, तो उसके लिए मैं आपको हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर लाइक ना भी करें तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को इसका हेल्प मिल सके और उनको भी ये जानकारी मिल सके।
अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के अच्छे अच्छे जानकारी हेल्थ रिलेटेड अच्छी अच्छी कंटेंट्स मैं बनाता रहता हूँ, आपको भी मिलता रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली कंटेंट में अगले एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन स्वस्थ हो, अच्छा हो और धन्यवाद।